الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بسم الله الرحمن الرحيم وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَّا أَقْرَبٌ ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرقي قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم बुजुर्गान मोहतरम अगर वक्त रहा तो दो बातें आज की इस मुख्तसर सी मजलिस में आपके गोश गुजार करनी है। एक का ताल्लुक पैसेज के अंदर गुज़िश्ता एक हफ्ते से आप जानते हैं कि होमर्टन हॉस्पिटल के लिए चंदे का बॉक्स रखा गया है, तो कुछ बातें इस ताल्लुक से, और वक्त रहा तो कुछ बातें कल मैं जोहर की नमाज़ के लिए जब मस्जिद में दाखिल हुआ पैसेज में एक साहिब मिले, कहने लगे कि मैं रहता लेटन में हूँ लेकिन यहाँ नमाज़ पढ़ने आता रहता हूँ, तो आपकी मस्जिद में बाज़ लोगों को मैंने एक अमल करते देखा है, वो ये कि इमाम से पहले रुकू में चले जाते हैं, इमाम से पहले सज्दे में चले जाते हैं। तो अलगर्ज़ इमाम एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ मुंतकिल हो उसमें वो जल्दबाजी करते हैं। तो कहने लगे कि कुछ बातें आप इस पर भी जो हैं बयान कर दे। तो बहरहाल ये दो मौजू है, काम जो दूसरों के आते हैं खुदा को ऐसे लोग खूब भाते हैं। होता है उसका एक फ़ायदा ये भी कि खुदा उनकी बिगड़ी बनाते हैं। हमारे करीब ही में ये हॉस्पिटल है होमर्टन, आप सब जानते हैं। इस्लाम ये चाहता है कि इंसान के अंदर न सिर्फ इंसानियत के लिए बल्कि जो भी रूह है, जो जानदार है, जिनके अंदर जान है, जीव है, जिंदगी है, तो उसके साथ एक इंसान और मुसलमान हमदर्दी का बर्ताव करे, उसे हमदर्द होना चाहिए। ख्वाजा मीर दर्द उनका एक शेर है जिसे बाज़ लोग गलती से अल्लामा इकबाल की तरफ मंसूब कर देते हैं, वो अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है और बड़ा मशहूर है ये शेर कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को,
वरना ताज के लिए कुछ कम न थे कर रोबिया। इबादत तो अल्लाह ताला की फरिश्ते कर ही रहे थे, खुद कुरान करीम में है सूरह बकरा के अंदर, वइज़ क़ाला रब्बुका लिलमलाइकति इन्नी जाइरुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा वयस्फिकु अद्दिमा। और आगे फरिश्तों ने क्या फरमाया, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका वनुक़द्दिसु लक। तो अल्लाह ताला की ताअत के लिए इबादत के लिए तो फरिश्ते थे, और फरिश्तों का एक वस्फ अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम में यह बयान फरमाया कि ला यासून अल्लाह मा अमरहुम वयफअलून मा युमरून। वो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर ही नहीं सकते, कर नहीं करेंगे नहीं, कर ही नहीं सकते वो। लेकिन अल्लाह ताला को हमदर्द पैदा करना था। अगर कोई इंसान ऐसा है उसमें हमदर्दी का पहलू नहीं है, और हमदर्दी सिर्फ इन्नल्लज़ीना आमनू के लिए नहीं, सब के लिए होनी चाहिए, आम है तमाम इंसानों के लिए, और उससे आगे बढ़कर तमाम ज़ीरूह के लिए, जानवरों तक के लिए इंसान के अंदर यह हमदर्दी होनी चाहिए। पाकिस्तान में हमारे एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं माजी करीब में, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला मरहूम को गरीब के रहमत करे, जिससे मेरी मुराद है, हज़रत मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर साहिब नव्वर अल्लाहु मरकदहु। हज़रत का एक शेर है, बल्कि आप कह लीजिए रुबाई है, दुख दर्द में जो किसी का गमखार न हो, दुख दर्द में जो किसी का गमखार न हो, बेयारो मददगार का जो यार न हो, बेयारो मददगार का जो यार न हो, जन्नत तो मिले उसको अख्तर, जन्नत तो मिले उसको अख्तर, मगर जन्नत में उसे खुदा का दीदार न हो। शायर बद्दुआ दे रहा है, दुआ भी है कि जन्नत में तो भेजियो जहन्नम में नहीं, लेकिन अगर उसने दुनिया में रहते हुए जिंदगी ऐसी गुजारी कि उसे किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सेल्फिश है कि बस मैं हूं, मेरी जिंदगी है, माय लाइफ है, माय फैमिली, सब कुछ मैं, माय 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 माय, जो मैं कमाता हूं वो मेरी कमाई है, मैं क्यों दूसरे पे खर्च करूं, मैं क्यों दूसरों को दूं, तो हमदर्दी का उसमें जज्बा ही नहीं। तो ये तो अल्लाह ताला का मकसद नहीं था इंसान को पैदा करने का, मकसद ये था कि इंसान के अंदर इंसानियत हो, हमदर्दी हो। बचपन में स्कूल में आपने जो प्रार्थना होती थी तो उसके अंदर अल्लामा इकबाल की एक मुनाजात पढ़ी होगी, टीचर बाज़ मरतबा पढ़ाते थे और बाज़ मरतबा स्टूडेंट खुद जो हैं तमाम पढ़ते थे। मैं उसका पहला मिसरा पढ़ूंगा तो बहुत सों को याद आ जाएगा, मैंने तो पढ़ी है, और ख़ास तौर से शनिचर के दिन जो सुबह में स्कूल होता था तो उसमें प्रार्थना में ये पढ़ाते थे, लब पे आती है दुआ बन के, पढ़िए ना। अरे ज़रा ज़ोर से तो हाँ बोलो, कड़ी खींच के खाने आए हुआ कि नहीं ना, जरा दाल चावल है शौकत भाई, जुम्मा पछी चले बाहर, रोजा ही रख लेते। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। इसमें इकबाल ने जो कहा है ना, वो इन्नल्लज़ीना आमनू का नक्शा खींचा है। ये सब कुरान और सुन्नत की बातें हैं,
और सब वो बातें हैं, वो चीज़ें हैं जो औसाफ एक मुसलमान के अंदर बदरज अतम और बदरज अवला होने चाहिए। ये सब इकबाल ने वो बातें कही, ये मुनाजात है। तो वो कहते हैं, दूर दुनिया का मेरे दम से उजाला हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से उजाला हो जाए, हर जगह दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से क्या हो जाए, उजाला हो जाए। तो अंधेरा मुझसे और आपसे मेरी जात से दूर होना चाहिए, तारीकी दूर होनी चाहिए, उजाला जो है वो होना चाहिए। मेरे दम से हो यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। अल्लाह अकबर। चमन बाग उसकी जीनत किससे है? फूल से है, रंग बिरंगी फूल से है। हम भी अब इस मुल्क के बासी है, बहुत से लोगों का जहन अब भी ये बना है कि बद्दू कमाई ने था मुकलवाने में, कि आप ना लागे वर्गे न अमुक, तो वसीयत भी कर लिया है कि हमें मरी जाए तो जनाजो ता ले जाए, जो जिंदगी पूरी यहाँ गुजारी, सारी रियायत यहाँ की वसूल करनी है, हैं जिंदगी के सारे सांस यहाँ लिए, अब मरने के बाद कहते कि वहां भेज दीजिए, तो भाई जिंदगी में चला जा, वहां अस्पताल के लिए हम चंदा देते हैं, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, दूसरी जितनी कंट्रीज है वहां हम देते हैं। मैं मना नहीं करता कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, हमदर्दी यही है कि सबसे होनी चाहिए, लेकिन पहले खेश फिर दुर्वेश, पहले खेश ये फारसी का लफ्ज है, फिर दुर्वेश जो करीब में है पहले उनका हक बनता है। ठीक है, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मौल साहब एनएचएस को तो पैसा मिलता है, बिल्कुल मिलता है, क्यों नहीं, कौन मना करता है, लेकिन आप जरा देखिए कितना खर्च होता है, और इससे सहूलत और आसानी मैं और आप भी हासिल कर रहे हैं, हमारी फैमिली वाले हासिल कर रहे हैं, और आप खुद देखिए, अल्लाह ना करे अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, एक हार्ट अटैक जो है उसकी क्या है, उसका इलाज जो होता है इंडिया में आप जाके करा के देखो, पाकिस्तान में देखो, चमड़ी न उधर जाए तो मुझे कहिए कितना खर्चा आता है इसके पीछे, लेकिन यहाँ फ्री में होता है। बाज लोग कहेंगे कि हमें टैक्स आपे, अरे तो भी तू काउंट कर, तब भी तू काउंट कर, अगर टैक्स देता है तब भी। और इस्लाम तो अल्लाह अकबर है, हमें अल्लाह ने वो दीन दिया है। चलो मान लिया आप टैक्स इतना देते हैं कि जिसकी वजह से जो कुछ आपका इलाज होता है उसी से बस मामला बराबर सराबर हो जाता है, लेकिन नेकी से तो खाली नहीं है। इस्लाम ने ये तो नहीं कहा कि नेकी के सारे काम इंडिया में ही करो, नेकी के सारे काम पाकिस्तान में ही करो, नेकी के सारे काम बांग्लादेश में ही करो। यहाँ हम फायदा उठा रहे हैं, हमारी नस्लें फायदा उठाएगी इंशाल्लाह, तो इनका हक बनता है। और हम कितना दे देंगे, जितना देना चाहिए उतना तो दे भी नहीं देंगे होमर्टन हॉस्पिटल को, और ना फारूक भाई ने गुज़िश्ता जुमा को ये कहा कि भाई आप सब इतना इतना दो, आपकी मर्जी है आप जितना दो, हैं नेकी के काम में मुईन और मददगार बनना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया व फालुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहो, खैर के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लो ताकि तुम कामयाबी को छू लो, नेकी के कामों में एक दूसरे के मददगार बनो। फारूक भाई कितने दिन अभी रहेगा? दो दिन डिब्बा, एक हफ्ता है अभी, और एक हफ्ता। हाँ तो चलो अल्लाह के घर में बैठे हो, आज नियत करके उठो, कुछ ना कुछ इसमें हिस्सा हम सब डालेंगे इंशाल्लाह। नहीं वो धीमी इंशाल्लाह है,
शाफी वाली इंशाल्लाह चाहिए, हनफी वाली नहीं चाहिए। आपने सादुल्ला भाई को नहीं देखा, एक शाफी 100 हनफी पे भारी है, हैं? इतनी जोर से अल्लाह का बंदा आमीन बोलता है, 10वीं सफ में भी सुनाई देता है, कहां सुभान अल्लाह है, इतनी जोर से नहीं बोलना है, वो सुभान अल्लाह कह रहे, यहां आहिस्ता कहना, आमीन दुआ है, जोर से भी आमीन बोलो, आहिस्ता बोलो, अल्लाह के बंदे को मैंने समझाया भी, लेकिन ये खास मटेरियल से बना है। सो खैर बहरहाल कुछ ना कुछ इसमें हिस्सा जो है वो जरूर डालो, नेकी से जो है ये खाली नहीं है। दूसरा, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मुसलमानों का हुलिया, इस्लाम का हुलिया बिगाड़ बिगाड़ कर पेश कर रहे हैं। अगर हम इसमें हिस्सा लेंगे, इस तरह की रिवायत हम जारी करेंगे, दूसरी मसाजिद को भी इंशाल्लाह एक रास्ता मिलेगा खैर की तरफ आगे बढ़ने का। तो इतनी रकम तो होनी चाहिए कि फारूक भाई या कोई भी लेकर जाए तो कम से कम ये तो मालूम हो कि यार हम कुछ दे रहे हैं, इतना तो अमाउंट होना चाहिए। इतना कम ना हो कि चेक देते हुए भी हमें शर्म आए कि इतना बड़ा इलाका है, इतनी बड़ी मस्जिद है और कुछ भी नहीं। और एक मसला याद रखो, सब ने घर में सदके का डिब्बा तो रखा होगा, और नहीं रखा हो तो रखना चाहिए। मुसलमान की सुबह बगैर सदके के नहीं होनी चाहिए, पूरा दिन इंशाअल्लाह हिफाजत में रहेगा अल्लाह की। तो इसमें ये सदके के डिब्बे में जो हम पैसे डालते हैं ये भी इसमें चलेगा अस्पताल में। और याद रखियो, ये नफली सदका मालदार भी इस्तेमाल कर सकता है। बहुत सों को ये गलत फहमी है कि नफली सदका हम ये समझते हैं कि गरीब ही यूज कर सकते हैं और गरीबों पर ही यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, जरूरतमंद हो उसको देना चाहिए। तो अगर हमने नफली सदके का जो डिब्बा और बॉक्स घर में रखा है वो पूरा या उसका कुछ हिस्सा दे दिया, अब आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि इन लदीन आमनू पे खर्च हुआ या किसी और पे हुआ, मालदार पे हुआ या गरीब पे हुआ, कि इस मुल्क में तो गरीब नहीं होते, बाज लोग यूं कहते, ये भी गलत फहमी है, ये भी गलत फहमी है। अगर गरीब ना होते तो नवाल फंड इतने साल से काम नहीं कर रहा होता। तो इसलिए भाई कुछ ना कुछ इसमें हिस्सा लो। और देखिए, ये बात फारूक भाई ने या किसी कमेटी मेंबर ने मुझसे नहीं कही है, ये मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे जहन में था। मैंने कहा कि जुमा मेरी बारी आई ये होगा तो फिर जो है इंशाल्लाह कुछ बातें इस पर अर्ज करेंगे। आगे देखिए, इकबाल ने यही बात कही है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। इकबाल ने उसमें क्या कहा है, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। यह है दर्दमंद दिल, मोहब्बत करनी है दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से, बूढ़े हैं, ज़ईफ़ है, अस्पताल में होंगे, वहाँ दर्दमंद हैं। एक हदीस वक्त रहा तो आपको सुनाऊंगा। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। आमीन कह रहे। अब रिवायत सुनो, वक्त हो रहा है, क्या हुआ, कुछ छूट गया दरमियान? नहीं, मैंने कहा बचपन का जो स्कूल का जमाना था वो याद आ गया। अच्छा, माशाल्लाह, चलो मंजूर भाई को माशाल्लाह बचपन का जमाना याद आ गया, और याद आना चाहिए, आदमी सब भूलता है, बचपन नहीं भूलता। हाँ, याद है माजी, और होना भी चाहिए, और पुराना दौर भूलना भी नहीं चाहिए। अकबर ने कहा है, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, मगर एक सुखुन बंदे नाचीज का रहे याद, अपनी हकीकत को और अल्लाह को न भूलो। पहले हमारे क्या दिन थे बचपन में, सब सोचे, अल्लाह ने इस मुल्क में हमें मालो दौलत से नवाजा, इसी मुल्क ने दिया है,
इसी ज़मीन ने हमें दिया है, तो कुछ तो हक़ बनता है कि हम यहाँ की ज़मीन पे ख़र्च करें, यहाँ के बाशिंदों पे ख़र्च करें, यहाँ के इदारों पे ख़र्च करें, एक नई अच्छी रिवायत हम शुरू करें। क्या थे हम और आज हम क्या हैं, इसलिए इसको नहीं भूलना है, अपनी हकीकत को नहीं भूलना है। चीज ऐड करता हूँ कि 24 घंटे जब हम रहते हैं ना हॉस्पिटल में, NHS को 4,500 पाउंड का खर्चा होता है एक घंटे। ये मंजूर भाई कह रहे हैं कि 24 घंटे अस्पताल में हम रहते हैं तो कितने 4,500 पाउंड का जो है वो खर्च होता है। अब आप अंदाजा लगाइए NHS को, चले कुछ कमोबेशी हो सकती है हैं इसमें, लेकिन बहरहाल खर्च तो बड़ा है। तो ये तो हर साल होना चाहिए। और ये कुछ साल पहले ये बात मैंने फारूक भाई से कही थी, मैंने कहा फारूक भाई ये चंदा होना चाहिए ब्लैक बन के अंदर, शौकत भाई को मालूम होगा, वहाँ तो कई सालों पहले वहाँ के मुसलमानों ने बाकायदा अस्पताल में एक डिपार्टमेंट बना के दिया है वहाँ की हॉस्पिटल को, कि ये हम मुसलमानों की तरफ से डोनेट है, ये मुसलमानों की तरफ से। दो अपने मुल्कों को भी याद रखो, मैं मना नहीं कर रहा, वहाँ भी ज़रूरतमंद है, सब कुछ है, लेकिन देखिए अगर अल्लाह न करे यहाँ पर हुकूमत ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी तो फिर हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अमेरिका वाला हाल होगा, फिर इंश्योरेंस जो है कार की तरह निकालो, फिर फीस दो थोड़ी बहुत, हर मस्जिद आप सोच लो कितनी बरतानिया में मस्जिद होगी, थोड़ा थोड़ा हर मस्जिद देगी हैं तो टीपे टीपे सरोवर भराए, कतरा कतरा दरिया शवद, तो वो हो जाएगा। वरना ये हमें ही मुश्किल है अगर ये बोझ ये बर्दाश्त नहीं करते। और आवाज़ कुछ उठ भी रही है, आप जानते भी है ऐसी आवाज़ें उठना भी शुरू हुई है। खैर अब वक्त नहीं है वो रिवायत सुनाने का पूरी, खाली आखिर एक जुमला सुना दो। हदीस से कुदसी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मफहूम है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन फरमाएगा बंदे से कि मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। बहुत शॉर्टकट में, वक्त नहीं है। तो बंदा कहेगा रब्बुल आलमीन आप कैसे भूखे हो सकते हैं, आप तो खिलाने वाले हैं, आप तो इससे पाक है, आप कैसे प्यासे हो सकते हैं, आप तो पिलाने वाले हैं, सैराब करने वाले हैं, इस अमल से आप पाक है। तो अल्लाह फरमाएंगे कि मेरा फना बंदा भूखा था, मेरा फना बंदा प्यासा था, अगर तू उसकी भूख मिटाता, अगर तू उसे सैराब करता, उसका सवाब यहां आज पाता। लेकिन अगली बात सुनानी है, अल्लाह फरमाएंगे मैं बीमार था, तूने मेरी बीमार पुरसी नहीं की। तो बंदा कहेगा कि रब्बुल आलमीन आप कैसे बीमार हो सकते हैं, आपकी जात तो इससे पाक है। अल्लाह फरमाएंगे मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तू उसकी बीमार पुरसी को जाता। देखिए फर्क है, वहां रिवायत में आया उसका सवाब आज यहां पाता, और जहां बीमार की बात आई वहां अल्लाह ये फरमाएंगे कि अगर तू उसकी बीमार कुर्सी को जाता मुझे वहां पाता, लवजत तनी इंदहु मुझे वहां पाता। उलमा ने इसकी कमेंट्री और शरह के अंदर ये लिखा है कि अल्लाह ने दो बातों में तो ये कहा कि सवाब पाता, यहां क्यों कहा बीमार के मुतालिक कि मुझे वहां पाता। फरमाया आदमी बीमार होता है तो दिल टूटा होता है, यह अस्पताल में जितने भी हैं हम मदद करेंगे, टूटे हुए दिल वाले रहेंगे। और अल्लाह ने क्या फरमाया कि मैं टूटे हुए दिलों के पास हूँ, दुआएं लेनी है इनकी मदद करो, आपको दुआएं जो हैं वो लगेगी। इकबाल के शेर पर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, टूटा हुआ दिल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इकबाल ने कहा है, तू बचा बचा के न रख, तू बचा 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 के न रख, ये आईना तो है वो आईना, के शिकस्ता हो तो अजीज तर है, निगाह है आईना साज है। तो भाई करेंगे सब मदद, और ज़रा ज़ोर से, अरे यार ये पठान वाली नहीं चाहिए थी, ये तो फिर वही बात हो गई सब पे भारी है। बहरहाल अल्लाह ताला जो कुछ कहा सुना गया उस पर हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुभानल्लाहि वबिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।